और मुझे ये पहले भी महसूस हुआ था, इसीलिए मैंने चुना था कि रोडवेज से ही साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाए। तो आज तो शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से बिना साफ सफाई के आप समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर हमको आजमगढ़ को समृद्ध बनाना है तो हमें स्वच्छ आजमगढ़ बनाना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैंने पूरी टीम भी बना ली है और आज शुरुआत हुई है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आज ही होगा, लगातार हम लोग आजमगढ़ में साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। और ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं बन पाएंगे। अगर हमको समृद्ध बनना है, हमको विकसित भारत बनना है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है उसमें पूरे देश को हाथ बटाना होगा। अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, अपने घर के आसपास, अपने दुकान के आसपास, अपने होटल के आसपास, जहाँ भी आप हैं वहाँ साफ सफाई रखेंगे तो अपने आप समृद्धि आएगी। तो कहीं ना कहीं इसी संदेश के लिए ये शुरुआत हुई है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि हम भी आजमगढ़ को पूरी तरह से स्वच्छ आजमगढ़ बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इतना हाईटेक रोडवेज यहाँ पे बना जो है, लेकिन इसके बावजूद ही रह रहा हूँ, और मैं खुद ही महसूस किया, मैंने खुद ही फोन किया, और आगे ऐसी शिकायत आई तो मैं कार्रवाई करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। अच्छा, कल 2 अक्टूबर है गांधी जयंती और शास्त्री जयंती, क्या मैसेज आजमगढ़ के लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगा आजमगढ़ के लोगों को, मैं खुद भी कल जो आजमगढ़ में खादी उद्योग भंडार है वहाँ मैं कुछ न कुछ खरीदूंगा, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दीजिए, और जो भी आप वस्त्र पहनते हैं उसमें खादी को शामिल करिए, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, जब हम अपने लोकल के लिए वोकल होंगे, तो ही हम इसको समृद्ध बना पाएंगे। और इसमें हम लोग लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, और आजमगढ़ में रह के इन चीज़ों को मैं खुद ही करने वाला हूँ और कर रहा हूँ लगातार। तो लगातार आप मुझे यहाँ पाएंगे और एक एक चीज पे नजर बनी हुई है, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में तो अगर खादी की ऐसी स्थिति हो गई कि खादी का जो मुख्यालय था ना वो पूरा बिक गया। अच्छा, पूरा बिक गया जहाँ मैं खादी का जो, तो मैं कल आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ वहाँ, मैं कल वहाँ आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और वहाँ कुछ ना कुछ सब लोग खरीदेंगे, और खादी को बढ़ावा देना जो गांधी जी का सपना था, स्वदेशी अपनाओ, उसको हम लोग को साकार करना है। रोडवेज की बसें खड़ी होती है जिसके कारण जाम लगता है, लगातार प्रेशर आप सड़क पर इतने बड़े कार्यालय का, इसके लिए ही मैंने आज अधिकारियों को भी बुलाया सभी, क्योंकि मैं खुद ही रोडवेज के सामने ही यहाँ रुकता हूँ, तो जो प्रेशर हॉर्न है उसकी शिकायत मैंने भी फोन करके किया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, या तो आप इनको चालान काटिए या तो इस पर रोक लगाइए, क्योंकि ये जो चीज, हाँ, चलान काटना ही पड़ेगा। कहाँ है आरम साहब, बुलाइए उनको। ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आ रहे हैं, तो उसके लिए कैसे, किस तरह से किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जैसी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, पिछले दिनों जब आए थे हमारे परिवहन मंत्री जी, तो उनसे भी मैंने जिले की जितनी मांग थी वो रखा था, कई बसों की मांग थी वो भी रखा था, वो भी उन्होंने कहा कि उसमें भी वो काम कर रहे हैं, और बाकी रोडवेज की जो स्थिति है उसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है तो उस पर हम काम करेंगे। माननीय सांसद जी, आप अदर सिटी में भी जाते हैं, बनारस जाइए, लखनऊ जाइए, सबके जो है एक स्टिकर बने हुए हैं कि यहाँ की इस साइड की बसें यहाँ लगती हैं, लेकिन आजमगढ़ की अगर कोई बस व्यक्ति होटल से बस को पकड़ना चाहता है तो उसको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह बस कहाँ लगी। तो वो मैं आरएम साहब को बता रहा हूँ अभी कि आप ये चीज़ें करवा लीजिए, क्योंकि मैं आज ही नहीं आया हूँ, मैं यहीं हूँ, तो मैं एक दो दिन में फिर आऊँगा, तो जो ये शिकायतें हैं इसको दूर करवाइए। पूरी तरह से हम लोगों की तैयारी ये है कि जनता के लिए काम करना है, हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का, दूसरे के लिए छोड़िए, किसी और दल के लिए छोड़िए, अपने दल के लिए भी प्रधानमंत्री जी का एक ही शब्द रहता है कि अगर आपके पास जनता की सेवा करने के लिए समय नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। तो जैसे हम लोग आए थे आजमगढ़ में और हमने कहा था कि आप प्रतिनिधि बन जाते हैं और आपके पास समय नहीं आजमगढ़ के लिए तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, तो उन्होंने दूसरे को मौका दिया। हम लोग आजमगढ़ में रह के काम कर रहे हैं, और आगे अगर हम काम नहीं कर पाए या हमारे पास समय नहीं, तो हम खुद ही छोड़ देंगे कि भाई किसी, जिसके पास टाइम है वो आके करे, क्योंकि या तो आप जिम्मेदारी लीजिए मत
और जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी निभाइए। सर टिकट को लेके काफी सवाल उठा है कि 2024 में आपका भी टिकट काटा जा रहा है, टिकट कट सकता है, तो इसको लेके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसको काम करना चाहिए। जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात होती है। तो अगर आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरी जितनी क्षमता है मैं निभा रहा हूँ, आगे जिसे जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएगा, और ये जनता तय करती है कि उसको कौन चाहिए। अगर जनता को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो मुझे चुनेगी। जनता को लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनके उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा हूँ, तो वो अपने आप बदल देगी मुझे।